इस वीडियो में डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 26 द इनविजिबल मैन का, जिसका नाम था द विक स्ट्रीट मर्डर। जो विक स्ट्रीट नामक आदमी था वो बेगुनाह आदमी था जिसको इनविजिबल मैन ने मार दिया था, उसी की स्टोरी इस चैप्टर में है। तो उससे पहले बताए थे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि इनविजिबल मैन जो है डॉक्टर कैंप के चंगुल से भागने में कामयाब हो जाता है, और डॉक्टर कैंप और कर्नल एडी ने एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया है ग्रिफिन को पकड़ने का। और वो प्लान क्या है कि पूरे शहर को क्या कर दिया जाएगा, नाका बंद कर दिया जाएगा, लोगों को बोला जाएगा कि वो अपने घर और दरवाजे बंद रखेंगे ताकि कोई अंदर घुस नहीं पाएगा। दूसरी बात ये भी कि 2 बजे के बाद जितनी भी ट्रेनें पास होंगी, मतलब जब इनविजिबल मैन भागा उसके बाद की बात बता रहे हैं कि उसके बाद जितनी भी ट्रेनें पास होंगी, बस पास होंगी, सबके गेट्स बंद होंगे, सबके लगेज केस बंद होंगे कि ताकि कोई सामान ना चुराया जा सके, ताकि इनविजिबल मैन जो है वहाँ से भागने में नाकामयाब रहे और वहीं पर रहे, जिससे डॉक्टर कैंप और कर्नल एडी उसको पकड़ सके। मतलब कि बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रिफिन है यानी कि इनविजिबल मैन, उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त उसको धोखा देगा। उसने ये तक सोच लिया था कि जो अब वो पूरे शहर में आतंक मचाएगा उसमें डॉक्टर कैंप उसकी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के बात ये होती है कि उसको काफ़ी ज़्यादा आ रहा था गुस्सा और वो फटने की कगार पे होता है। तो चलते चलते उसको एक आदमी दिखता है जिसका नाम विक्सेड होता है, जो मिड डे मील के लिए अपने ऐसे जा रहा होता है, उसको पकड़ता है और कूट देता है बड़े तरीके से, उसके हाथ पैर सब तोड़ देता है और फाइनली एक सरिये से उसका सर फोड़ देता है और जली की तरह क्रश कर देता है उसका सर। और आसपास के लोग जो होते हैं वहाँ पे वो देखते हैं उसको और वो देखते हैं कि ये जो आदमी है ये पागल हो गया है। कोई आवाज़ें उनको सुनाई देती चिल्लाने की, चीखने की और हंसने की, मतलब जैसे कोई गुस्से में किसी को मार पीट के उसके बाद जो अंदर से उसको राहत मिलती है वो चीज़ है। मतलब वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि कुछ भी करने को तैयार है, बस अब उसको आतंक मचाना है पूरे शहर में, क्योंकि उसने जिस पे भरोसे किया उसका भरोसा उसने तोड़ दिया डॉक्टर कैंप ने। ऑब्वियसली भरोसा तोड़ना ही था क्योंकि वो गलत काम कर रहा था, तो गलत काम करने का नतीजा यही होना था। तो अब वो क्या है, शांति से बैठने के बजाय, मतलब उसको पता है कि चारों तरफ सिक्योरिटी है मस्त, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, अपने खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है, रेस्ट करता है, आराम करता है और मस्त अब रिचार्ज हो जाता है शहर की वॉट लगाने के लिए। तो इस चैप्टर में था इतना ही। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि और भी कंटेंट आप देख सको टाइम टू टाइम। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा चैप्टर नंबर 27 द सीज ऑफ द कैंप्स हाउस। टाटा, बाय बाय। मेरी कहानी अनजानी दीवानी सी, बेगानी सी, शातिर शानी सी, बातें सब रातें कम काटे कम सोके कम खाके, हम मौके पर जागे लिखे रैप फिर चौके भी मारे हमने।